हेलो एवरीवन, आई एम शेली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी अर्बन जोड़ी। आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वीक एक न्यूज सर्कुलेट हो रही है जो है कि 207 प्रोफेशंस में वीज़ा जो है ओमान में बैन कर दिया गया है एक्सपैट्रिएट्स के लिए। तो चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस और क्वेरीज हमें आ रहे थे। सो वी थॉट ऑफ मेकिंग अ ब्रीफ वीडियो अबाउट दिस न्यूज़। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू पुट अ डिस्क्लेमर ऑल्सो कि हम जो भी आपको ये न्यूज़ वगैरह बता रहे हैं या जो भी आपको शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में, ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर्स में ऑलरेडी आई हुई हैं। टाइम्स ऑफ ओमान हो गई, द अरेबियन स्टोरीज़, ओमान ऑब्जर्वर जैसे ऐसे बहुत सारी न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ ऑलरेडी आई हुई है। सो मैं बस आपको वही न्यूज़ सिंप्लीफाई करके इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा बैन के बारे में। क्या ये चीज़ पहली बार ओमान में हो रही है या फिर पहले भी हो चुकी है? तो 2018 में लेटेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वीज़ा बैन कुछ प्रोफेशंस पे लगाया गया था। इसका मतलब एक्सपैट्रिएट्स को आप कुछ प्रोफेशंस जो लिस्ट की गई थी प्रोफेशंस उसमें अपने कंपनी में हायर नहीं कर सकते हो। ये सारे प्रोफेशंस जो है वो लोकल्स मतलब ओमानीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। अभी इस बार क्या हुआ है कि 207 प्रोफेशंस जो हैं वो लिस्ट करके दिए गए हैं। लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मैं आपको स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं दे दूंगी, पर कुछ प्रोफेशंस हो गए जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हो गया, आई जस्ट रीड इट आउट फ्रॉम माय फ़ोन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है यहाँ पे, देन डायरेक्टर मैनेजर ऑफ स्टाफ अफेयर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं, देन एम्प्लॉयमेंट मैनेजर्स हो गए, एचआर एंड रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट हो गए क्योंकि एचआर रिलेटेड हमको काफ़ी क्वेरीज आती हैं, तो एचआर एंड रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट हो गई, डिलीवरी एजेंट्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, बस ड्राइवर, ये सारे प्रोफेशंस वगैरह जो हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी प्रोफेशंस हैं जो अभी लिस्ट करके दिए गए हैं। 207 टोटल प्रोफेशंस हैं जो फिलहाल के लिए बैन कर दिए गए हैं, मतलब इन प्रोफेशंस में आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। अभी फॉर एग्जांपल जो लोग ऑलरेडी इन प्रोफेशंस में काम कर रहे हैं उनके पास जो वीज़ा है वो इन प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो जब तक उनका वीज़ा एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक वो काम कर पाएंगे, बट रिन्यू के टाइम पे उन्हें इस प्रोफेशन पे वीज़ा नहीं मिल सकता। ये प्रोफेशंस जो हैं वो अभी ओमानीज के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। अभी इस न्यूज़ के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, वी डोंट वॉन्ट टू गिव एनी ओपिनियन ऑन दैट, बट एक चीज़ याद रखो कि अगर आप किसी भी कंट्री में काम करते हो और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हो, जैसे कि ओमान में बात कर लो, तो यहाँ पे कोई ऐसा पीआर नहीं होता या फिर कोई परमानेंट मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता जहाँ के लिए आप 10 साल 15 साल के लिए वीज़ा ले लेते हो और फिर यहाँ पे रह लेते हो और फिर जॉब करते हो। यहाँ पे हर पर्सन एक वर्क वीज़ा पे आता है जो एक स्पेसिफिक स्पॉन्सर के अंदर होता है, और ये वर्क वीज़ा जो होता है मोस्टली मोस्ट केसेस में 2 साल का होता है, कहीं कहीं पे 1 साल का होता है, कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी कंट्री में आ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ रहे हो तो आपको पता है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी आपके कॉन्ट्रैक्ट तक ही है। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता तब तक आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो इट्स अ बेसिक थिंग ओनली, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो मे बी हो सकता है आपको दूसरे प्रोफेशन में हायर किया जाए, आपका जॉब प्रोफाइल चेंज हो, ऐसा हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि ये जो प्रोफाइल्स अभी लिस्ट किए गए हैं ये तो फिलहाल के लिए रिजर्व्ड है। थोड़ी और बात की जाए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें अभी भी आते हैं इतने वीडियोस बनाने के बाद भी कि क्या ओमान में कैसे आया जाए, जॉब करने के लिए हम कैसे आएंगे। सो फॉर एग्जांपल आप हमेशा याद रखो कि क्योंकि मोस्टली जब भी आपको वीज़ा यहाँ पे मिलता है ओमान में कंपनीज के थ्रू, तो आपका जो लेबर कार्ड होता है ना उसमें भी आपका प्रोफेशन जो होता है वो लिस्टेड होता है, तो आप वो भी कंपनी के साथ क्लैरिफाई करते हो। तो एग्जांपल अगर आपको ओमान आना है जॉब के लिए, आपको जॉब ऑफर हो रही है, आपके पास एक जॉब वैलिड जॉब ऑफर होना यहाँ पे ज़रूरी है वीजा मिलने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जॉब ऑफर आई है, आपने इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, ऑफर के बाद आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, तो कंपनी अगला प्रोसेस ये करेगी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपसे मंगवाएगी वीजा प्रोसेस करने के लिए। वीज़ा प्रोसेस का टाइमलाइन वगैरह जो रहता है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। जब आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है तो एज़ पर योर कॉन्ट्रैक्ट आपको उतने टाइम का वीज़ा जो रहता है वो मिलता है। सो फॉर एग्जांपल अगर अभी आपको वीज़ा मिला है और आपका वीज़ा इन प्रोफेशन 207 प्रोफेशन के अंदर आता है, तो आपको कंपनी से बेटर है क्लैरिफाई कर लेना सारी चीज़ें कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो व्हाट्स योर फ्यूचर। I just wanted to make a basic video regarding this news क्योंकि ये सारी news जो है वो सारे newspapers में काफ़ी ज़्यादा circulate हो रही थी और बहुत सारे लोगों को doubt भी था कि 207 professions के अंदर क्या क्या है।
मोस्टली ये प्रोफेशंस पहले से कुछ प्रोफेशंस जो है ना वो पहले से ही ओमनाइज्ड ही थे, उन्होंने मे बी रिवाइज किया है लिस्ट या फिर लिस्ट जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ लोगों के सामने रखी है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे जो है ना वो ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर आपको इन प्रोफाइल्स में जॉब नहीं मिल सकती तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है कि आपके लिए प्रोफाइल्स बैंड है, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो है ना वो ट्रांसपेरेंट है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो सारे प्रोफेशंस कौन से हैं और कौन कौन से जगह पे बैन लगाया गया है। अभी एक्सपैट्स अगर आपको डाउटफुल है कि कौन से एक्सपैट्स, तो सारे एक्सपैट्स आ जाते हैं, आप किसी भी कंट्री को बिलोंग करते हो रादर देन ओमान। अगर आप ओमानी नेशनल नहीं हो तो आप एक्सपैट हो, तो डेफिनेटली आप इन प्रोफेशंस में काम नहीं कर पाओगे। आई होप आपको ये न्यूज़ जो है वो क्लियर हो गया होगा। वैसे तो सारी न्यूज़ जो है यहाँ पे बेसिक ही आती है, डिटेल में ज़्यादा आई नहीं है, लेकिन अगर और भी डिटेल्स इस रिगार्डिंग आएंगे सो वील डेफिनेटली ट्राई टू शेयर इट आउट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करना, मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। और कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज और भी हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर पूछ सकते हो, हम जरूर ट्राई करेंगे कि जितनी हमारी नॉलेज है उतना तक तो आपको जरूर आंसर दे पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।